সংকটকালে জ্বালানি আমদানিতে ইরান হতে পারে বাংলাদেশের নতুন গন্তব্য। লেনদেন করা যাবে নিজস্ব মুদ্রায়। এই মডেল নিয়ে ঢাকা সফরে আলোচনা করেছেন ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলি বাকেরি কানি। ইরান বর্তমানে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট পূরণে প্রস্তুত। বাংলাদেশ অকুপাইজ এ স্পেশাল পজিশন। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बड़ी खबर है, उसके ऊपर हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है बांग्लादेशी मीडिया का, कि जनाब जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने एक बड़ी ऑफर करवा दी है बांग्लादेश को कि आप जनाब हमसे ऑयल लें, आप छोड़ें किसी और को, आप हमसे ऑयल लें। यानी मैंने आपको व्यूवर्स बताना है इस वीडियो में कि उसका नतीजा आना शुरू हो गया है, जो बांग्लादेश की अच्छी एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसका। और नंबर टू, आपको पता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान भी बड़े अच्छे रिश्ता हुआ है रिसेंटली। एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जो चाइना ने करवाया, आपको पता है चाइना फिर सऊदी अरेबिया भी इकट्ठे हो रहे हैं, साथ में ईरान की सुलह हो गई है। अब इसको लेकर के एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इसी तनाजुर में अब जनाब जो ईरान ने भी फैसला कर लिया कि हम जनाब अपना जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को, और उससे बढ़कर एक और भी ऑफर करवा दिया है कि जनाब आप हमारी लोकल करेंसी में जनाब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी बांग्लादेश भी अपना टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स है वो ईरान को दे सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। यानी लीरा जो करेंसी है, लोकल करेंसी है जो ईरान की, उसमें आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं, और बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, उसमें आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। यानी ये छोटी ऑफर नहीं है, इसको मैं कहता हूँ एक बड़ी ऑफर है, और एक बड़ी डील की सूरत में भी ये सामने आ सकती है। लेकिन इससे बड़ी खबर ये दे दूं मैं आपको, इब्राहिम रईसी हैं, उन्होंने जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना को दावत दे दी है, इनविटेशन दी है कि वो जनाब सफर करें ईरान का। और इससे बड़ी खबर जो है वो ये भी है कि बांग्लादेश ने जो है वो ईरान को बोला है कि भाई आप जो है वो ऑयल एंड गैस जो म्यांमार को नहीं देंगे, तो इसके ऊपर उन्होंने हामी भर लिया है कि हम ईरान ने कहा है कि हम म्यांमार को ऑयल एंड गैस नहीं देंगे बल्कि आपको देंगे, और आप हमें जो है अपनी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट है वो। तो इसके ऊपर हमारे पास वीडियो है, पहले हम वीडियो देखें। हाँ, देखें अब शेख हसीना देखें जाएंगी या नहीं जाएंगी ईरान, क्योंकि उनको दावतनामा तो आ गया है। जी बिल्कुल, इनविटेशन तो उनको आ गई है, मेरे ख्याल में जाना भी चाहिए क्योंकि एक नया ब्लॉग और वैसे भी दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। हाँ। इनका जो है आपस में रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ। अच्छा तो है बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री जो इम्पोर्टेंट मुस्लिम कंट्री है, बहुत बड़ी मुस्लिम कंट्री ये भी देखे ना, जो इस वक्त साउथ एशिया में मिडिल ईस्ट में एक सिनेरियो बन रहा है उसमें देखे कि बांग्लादेश की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और एक नई जो मैं कहता हूं एक लॉबी बन रही है अमेरिका के खिलाफ। और अमेरिका आपको पता है कि बांग्लादेश के खिलाफ कुछ जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना ने भी ये कहा है पार्लियामेंट के वो अब हमारी हुकूमत गिराना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश ईरान से ऑयल ले सकेगा अमेरिका की इतनी पाबंदियों के बावजूद। यानी अमेरिका लगातार बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। आपको याद होगा कि रूपपुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके ऊपर जो मालामाल जो एक पोर्ट पर आना चाह रहा था, सामान आना चाह रहा था, एक जहाज आना चाह रहा था, वो नहीं आने दिया गया क्योंकि सैंक्शन लगा रही थी। और बांग्लादेश तब इंडिया ने भी हेल्प नहीं की। हाँ, चाइना ने हेल्प की और फिर वो मालामाल वाला जो शिप था जहाज था वो बांग्लादेश में आया, चिटागोंग पोर्ट पर आया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश इतने बड़े फैसले कर सकेगा, ऑयल ले सकेगा, और क्या जो अमेरिका है वो इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाता है इन फ्यूचर, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम वीडियो देख लेते हैं बांग्लादेशी मीडिया की क्या क्या है वो, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें आगा भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। সংকটকালে জ্বালানি আমদানিতে ইরান হতে পারে বাংলাদেশের নতুন গন্তব্য। লেনদেন করা যাবে নিজস্ব মুদ্রায়। এই মডেল নিয়ে ঢাকা সফরে আলোচনা করেছেন ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলি বাকেরি কানি। চ্যানেল 24-কে তিনি বলেন, আগামী জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তেহরান সফরের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে একমত দুই দেশ। মোর্শেদ হাসিবের রিপোর্ট। ইউক্রেন সংকট ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে, বিশেষ করে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশটি থেকে তেল ও জ্বালানি কিনতে পারছে না ইউরোপের দেশগুলো। একই সংকটে আছে ভারতও। জ্বালানি ও তেল সংকট সমাধানে 25 বছরে $400 বিলিয়ন তেহরান বেজিং বিনিয়োগ চুক্তি নতুন মডেল হিসেবে সামনে এসেছে।
সম্প্রতি ভারতকেও একই মডেলে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে তেহরান। বাংলাদেশে বিনিয়োগের সক্ষমতা না থাকলেও ইরানের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফরে ডলারের বিপরীতে নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেন কিংবা জ্বালানি সংকটের সমাধানে পথ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যে কোনো প্রয়োজনে পাশে থাকার অঙ্গীকারও করেছে তেহরান। Even in big organizations like in BRICS, সম্প্রতি আমরা ডলার নয় নিজস্ব মুদ্রায় তেল গ্যাস কেনা বেচা শুরু করেছি। উভয় দেশেরই লাভ হয় এতে। এ নিয়ে চুক্তিগুলোর বিস্তারিত গণমাধ্যমে বলছে না যদিও, তবে ব্রিক্সের দুই বড় অর্থনৈতিক অংশীদার চীন ভারতের সাথে কাজ চলছে পুরো দমে। ইরান বর্তমানে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট পূরণে প্রস্তুত। Bangladesh occupies a special position. ইরানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিন হলেও কোনো এক অজানা কারণে পৌঁছায়নি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। ইরানের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এবারের সফর তাই ছিল বরফ গলানোর ইস্যুটি। সেই ধারাবাহিকতায় আসছে বছরের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্ভাব্য ইরান সফরের আশা করছেন আলি বাকের কানি। For the future of our relations, কোনো এক অজানা কারণে ইরানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক এগোয়নি। আমরা সেই শীতলতা কাটাতে চাই, যার শুরু হতে পারে আসছে জানুয়ারির শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইরান সফর দিয়ে। প্রাথমিকভাবে দুই দেশ এ নিয়ে একমতে পৌঁছেছে। আলাপকালে উঠে আসে সম্প্রতি ইরানের হিজাব ইস্যুও। এ নিয়ে যাতে চাইলে তিনি বলেন, পশ্চিমারা যা প্রচার করছে তা সত্য নয়। You said that the protests are ongoing in Iran, but if people inside Iran... Oh, viewers, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब ईरान ने, मैं कहता हूँ, बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है बांग्लादेश को कि हमसे तेल ले लें आप, और फिर वो लोकल करेंसी में कह रहे हैं कि ट्रेड कर लें हमारे साथ टका में और जो उसके साथ। अच्छा, एक और चीज भी है, देखिए जब आपके पास जो ऑप्शंस हो, एक नहीं दो ज्यादा ऑप्शंस हो, तो फिर आप खुलकर खेलते हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब गंदुम वीट देना इंडिया ने बंद किया, तो फिर बांग्लादेश ने जनाब जो वीट है वो यूक्रेन से लेना शुरू कर, तो फिर रशिया ने भी एक टाइम पर आकर ब्लैकमेल करना शुरू किया, तो बांग्लादेश ने यूक्रेन से शुरू कर दी। तो उसका फायदा ये हुआ कि फिर इंडिया ने भी घुटने टेक दिए, फिर रशिया ने भी घुटने टेक दिए और कहा कि आप हमारे साथ जो डील है कम दाम पर, कम प्राइस पर ही आप हमसे वीट ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये देखे ना, अब बांग्लादेश के पास खुले ऑप्शंस होंगे। वो रशिया से ऑयल ले सकता है, वो जनाब सऊदी अरेबिया से ले सकता है, वो इसके साथ साथ जनाब ईरान से भी ले सकता है। यानी ये खुले ऑप्शन जब होंगे आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जबकि बांग्लादेश के पास तो खुद भी बहुत ज्यादा ऑयल अब प्रोड्यूस हो रहा है। बेंगाल बंगाल में मोबिल एक्स वो जो कंपनी है, बिल्कुल मोबिल एक्स मोबिल जो भी इंडिया की उसकी जी अमेरिका की एक्स मोबिल है। जी बिल्कुल, अब तो बांग्लादेश के पास खुद भी बहुत ज्यादा ऑयल है। किस तरह से देखें, बांग्लादेश के पास किस तरह से ऑयल एंड गैस तो खुद से भी बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेंट हो रहा है कि बहुत ज्यादा जखीरे निकल रहे हैं। मतलब बंगाल में देख लें, बहुत ज्यादा मोबिल वो कंपनी है अमेरिका की, वो आ रही है निकाल रही है वहां पर। तो ये तो चीजें हैं ना जी बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश को अच्छे ताल्लुकात करने के लिए ईरान के साथ जो है वो ये डील को फाइनल करना चाहिए। और दोनों मुस्लिम कंट्रीज है, और इनके एक बांग्लादेश जो है वो मुस्लिम कंट्रीज में एक बड़ा मियार रखता है, बड़ा नाम रखता है। इस वजह से बांग्लादेश को उनके साथ जो है ट्रेडिंग करनी चाहिए। मुस्लिम कंट्रीज में मैं कहता हूं बड़ी अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, अच्छी मईशत वाला मुल्क है, पैसे वाला मुल्क है बांग्लादेश। के बाद जो है मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश जो है सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, कतर, उसके बाद पाकिस्तान और फिर म्यांमार बांग्लादेश। अच्छा विवर, बात ज्यादा लंबी हो जाएगी, हम चाहते हैं यहाँ आपसे इजाजत लेते हैं, मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।